दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की, उसके पीछे उनके कुछ उद्देश्य थे। दोस्तों, उस समय हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई थी, कुछ ऐसी कुरीतियाँ चल रही थी, जिनके कारण राजा राम मोहन रॉय ने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि सभी मानव एकजुट होकर मिलकर कार्य करें। वो ये भी चाहते थे कि हम ईश्वर की जिन अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, तो वो हमें ये बतलाना चाहते थे कि ईश्वर एक ही होता है, और उन्होंने सभी मानव को समान अधिकार देने पर भी बल दिया। ये उनके कुछ सिद्धांत थे जिनके कारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई।